ओके तो आज हम पेपर 1-1 स्टार्ट कर रहे हैं मई जून 2022 का। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। व्हिच एटम हैज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल ऑफ द शेप शोन विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3। तो दिस इज अ पी ऑर्बिटल एंड क्वांटम नंबर 3 मीन्स दैट इन द पीरियोडिक टेबल इट मस्ट बी इन पीरियड 3। इज दिस अंडरस्टैंडेबल टू एवरीवन? यस यस। सो इट मीन्स दिस एटम मस्ट बी ऑफ एनी एलिमेंट फ्रॉम पी ब्लॉक। यू ऑल नो विच इज अ पी ब्लॉक इन द पीरियोडिक टेबल? यस। ओके so this whole region is considered as a p block. So if we look again at the question, at the options of the answers, we have sodium, chlorine, calcium and bromine. So sodium and calcium are from group n 1 and 2, which means they are wrong ones. Ye baat clear hai? नाउ वी आर लेफ्ट विद द क्लोरीन एंड ब्रोमीन। दोनों जो हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, मगर पी ब्लॉक के साथ साथ हमें उसका पीरियड भी पता है कि थर्ड पीरियड है। थर्ड पीरियड मीन्स दिस वन। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो हियर वी हैव क्लोरीन एंड ब्रोमीन इज नॉट इन द पीरियड 3, सो ब्रोमीन ऑल्सो गोज रॉन्ग एंड B क्लोरीन इज द करेक्ट आंसर। ये क्लियर है सबको? यस यस। क्वेश्चन नंबर 2। व्हिच एटम हैज द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज द हाइड्रोक्साइड आयन? सो इफ वी टॉक अबाउट हाइड्रोक्साइड आयन वेयर ओ हैव अ 8 एटॉमिक नंबर एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1 एंड इट हैव अ नेगेटिव चार्ज एज वेल। So OH, one oxygen and one hydrogen have a 9 electrons and a negative charge shows there is a one more electron, so which means it have a 10 electron. Now we have to figure it out of these which one have a 10 electrons. So we have to look at the atomic number in the periodic table. So if we see the atomic number of neon is 10, so the correct answer will be neon. Is this understandable to everyone? Yes. ये अगर किसी को कोई confusion है तो पूछ लें। No sir. Okay. Now question number 3. In separate experiments, 5 gram sample of each of 4 S block metals are added. Okay, these all are S block metals, calcium, potassium, rubidium, strontium, to an excess of water. Okay. The gas evolved is collected and its volume measured under the same conditions of temperature and pressure for each sample. Which metal produces the largest gas? जी, options पे जाए बिना क्या आप conclude कर सकते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेटल सबसे ज्यादा गैस प्रोड्यूस कर रहा है? डाउन द कर्व रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। नहीं, रिएक्टिविटी तो इंक्रीज होने का मतलब है कि जल्दी रिएक्ट करेगा, मगर ज्यादा वॉल्यूम कौन सा, हम सबका सेम मास यूज कर रहे हैं तो किस मेटल के रिजल्ट में ज्यादा वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा गैस का? तो देखें, अगर हम मेटल ग्रुप 1 का मेटल है तो ग्रुप 1 के मेटल पे क्या चार्ज होता है? यस, व्हाट इज द चार्ज ऑन ग्रुप 1 मेटल? प्लस वन। सो इट मींस ग्रुप 1 मेटल जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा अलोंग विद हाइड्रोजन, और उसमें मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? ओ एम ओ एच। और अगर हम इक्वेशन बैलेंस करें तो हमारे पास हाफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस के मिलेंगे। ये बात क्लियर है सबको? यस।
Yes. Okay. Then, अगर हम मेटल ग्रुप टू का यूज करें तो ग्रुप टू के मेटल पे क्या चार्ज आता है? प्लस टू. तो इट मींस जो मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा वो क्या होगा? MOH ट्वाइस और हाइड्रोजन भी वन मोल मिलेगी. ये बात क्लियर है सबको? यस. ओके. अगर हम इस इक्वेशन को बैलेंस करें तो हम यहाँ पे टू लगाएंगे. तो अगर हम देखें तो ग्रुप वन के मेटल्स हाफ मोल हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हैं और ग्रुप टू के मेटल्स वन मोल हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हैं. ये बात समझ में आ रही है सबको? Yes. तो अगर मैं इसको एसटी रूम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन कंसिडर करूं तो इसका मतलब है यहाँ पे 12 डेसीमीटर क्यूब हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी और यहाँ पे 24 डेसीमीटर क्यूब हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी. ये बात भी क्लियर है? गैस इक्वेशन से फॉर्म होगी. हाँ, क्योंकि देखें 1 मोल 24 डीएम क्यूब ऑक्यूपाई करता है ना, तो अगर हाइड्रोजन गैस का 1 मोल है तो 24 डीएम क्यूब वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा, और अगर हाइड्रोजन गैस का हाफ मोल है तो 24 का हाफ यानी कि 12 डेसीमीटर क्यूब हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा. ये बात क्लियर? यस. अच्छा, तो इस बेसिस पे मैं पहली कंक्लूजन ये कर सकता हूं कि ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं वो रॉन्ग हो जाएं, क्योंकि उनके जो है वो जितने भी उनके मोल्स हैं उसके हाफ मोल हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी. यस. जी, ये पॉइंट सबको क्लियर है? यस. नाउ अगर मैं कैल्शियम के मोल्स फाइंड करने जाऊं तो मैं कैल्शियम के मोल्स के लिए क्या करूंगा? 5/40, और स्ट्रोंशियम के मोल्स के लिए 5/its AR. और अगर आप कैल्शियम स्ट्रोंशियम का AR देखें तो स्ट्रोंशियम का AR क्या है? 87.6, राइट? तो इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा, अब आप यहाँ पे कैलकुलेटर से कैलकुलेट ना भी करें तो डिनोमिनेटर की वैल्यू देख के प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा मेटल ज्यादा वॉल्यूम के ज्यादा मोल्स यूज हो रहे हैं. जी, कैल्शियम के, क्योंकि स्ट्रोंशियम का डिनोमिनेटर बड़ा है तो इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल्स स्मॉलर आएंगे. Yes. नीचे वैल्यू बड़ी है ना, तो अगर इसके कैल्शियम के मोल ज्यादा आएंगे तो इसका मतलब है वो हाइड्रोजन भी ज्यादा प्रोड्यूस करेगा. सो ए विल बी अवर करेक्ट आंसर. इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें. नो. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4. अ स्टूडेंट रिएक्ट्स 1 मोल ऑफ कॉपर विथ concentrated nitric acid to produce 1 mole of copper to nitrate, 2 mole of water and a substance X. No other product is formed. Substance X does not contain copper or hydrogen. What could be substance X? Achha ji. Ab agar hum dekhein, toh humare paas reactant kya hai? We have a 1 reactant copper. And the other reactant, nitric acid, right? These two are the reactant and giving us copper to nitrate, which have a formula of CuNO3 twice. Ye baat clear hai? Yes. Okay. उसके साथ क्या मिल रहा है हमें? वाटर मिल रहा है,
और x मिल रहा है, अब इन्होंने x बताना है कि क्या है। तो आप में से कोई आइडेंटिफाई कर सकता है x क्या है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। Which one? B, C or D? D. Why? Because two moles of H2O are reacting. H2O तो react नहीं कर रहा बेटा, H2O तो form हो रहा है। Yes. And two moles form हो रहे हैं। अगर two moles form हो रहे हैं तो यहाँ पे भी इसके टू मोल्स होंगे। नो सॉरी, इसके कितने मोल्स होंगे? फोर मोल्स होंगे। ये बात क्लियर है? अच्छा अब ये देखें, आपका आंसर वैसे सही है। कितने ऑक्सीजन हो गए यहाँ पे? 12। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 6। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 4। टू। यस, तो इसका मतलब है कितने ऑक्सीजन हो गए? 8 ऑक्सीजन हो गए। ठीक है, अगर आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे देखें तो रिएक्टेंट साइड पे नाइट्रोजन कितने? 4 हैं, और यहाँ पे नाइट्रोजन कितने? 2 हैं। ये बात क्लियर है? यस। तो प्रोडक्ट साइड पे कितने नाइट्रोजन और कितने ऑक्सीजन कम है? टू नाइट्रोजन कम है और 4 ऑक्सीजन कम है। यस, सो इट मींस इट मस्ट बी NO2 एंड बेसिकली देयर आर 2 मोल्स ऑफ NO2। जी सोलेहा, अमीना एंड सानिया, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। नो, सबको क्लियर है? यस। ओके, सो द डी आंसर इज द करेक्ट वन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। इन विच स्ट्रक्चर आर 3 एटम्स बॉन्डेड टुगेदर इन अ स्ट्रेट लाइन? जी किस स्ट्रक्चर में 3 एटम्स स्ट्रेट लाइन में बॉन्डेड होंगे? प्रोपेन। प्रोपेन, ओके। सोलेहा और सानिया, आप में से कोई ऑप्शन बताएगा मुझे प्रोपेन के अलावा? सर मैंने सॉल्व करा था लेकिन प्रोपेन मैंने करा था लेकिन वो आंसर अलग आ रहा था। ठीक है सर, वैसे पॉलीथीन हो सकता है बिकॉज वो पॉलीमर है। ओके सोलेहा, आप क्या बताएंगे? देखें सर, अगर मैं पॉलीथीन बनाऊं तो पॉलीथीन में एक कार्बन कितने बॉन्ड्स बना रहा है? फोर बॉन्ड्स बना रहा है। यस, तो अगर कार्बन एटम के अराउंड 4 बॉन्ड्स हैं तो इट मींस 4 बॉन्ड पेयर एंड नो लोन पेयर, राइट? यस। तो इसका मतलब है कि इनके बिटवीन बॉन्ड एंगल क्या होगा? 109.5। और अगर 109.5 डिग्रीज है ये एंगल तो क्या ये स्ट्रेट लाइन में होंगे? नो। क्यों? क्योंकि शेप क्या हो जाएगी? टेट्राहेड्रल हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। तो इसके लिए लीनियर होना चाहिए शेप? जी बिल्कुल, मतलब उसके बॉन्ड्स लीनियर फॉर्म में आने चाहिए। तो टेट्राहेड्रल होने का मतलब है कि बॉन्ड्स स्ट्रेट लाइन में नहीं है। ये बात क्लियर है सर? तो फिर डी नहीं होगा क्योंकि उसमें 90 डिग्रीज है। यस, डी इज द करेक्ट आंसर। और अगर हम ये चीज देखें तो यही चीज सेम चीज प्रोपेन में भी होगी क्योंकि कार्बन के सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं तो वहां पे भी 109 डिग्रीज होगा।
डी पार्ट में 180 डिग्री कैसे बन रहा है? उसमें तो 90 और 120 होता है। नहीं, 120 जो है बेटा उसमें होता है, जब अगर फॉर एग्जांपल ये PCl5 होता तो 120 और 90 होता, ठीक है? जी सर, इसमें सारे 90 हैं तो वो टोटल 180 है। हाँ, मैं एक मिनट आपको समझाता हूँ, रुके। और सी में हमारे पास चार बॉन्ड्स हैं, अगेन सिलिकॉन ग्रुप फोर में होता है तो फोर बॉन्ड पेयर्स होंगे, तो सी का भी एंगल वही होगा जो कि पहले दो का था, तो इसलिए सी भी रॉन्ग हो गया। ये बात सबको क्लियर है? यस अच्छा, अब SF6 की शेप क्या होती है? ऑक्टेहीड्रल। ऑक्टाहीड्रल। ऑक्टाहीड्रल शेप होती कैसी है? सर स्पाइडर शेप में होती है। एक्चुअली आप इसको इस तरह समझें कि देखें, एक मिनट, सर इसमें फोर फ्लोरीन जो है वो इन प्लेन होते हैं और बाकी हाँ नहीं बिल्कुल होते। करते हैं। ये देखें, पहले तीनों केस टेट्राहेड्रल थे, तो टेट्राहेड्रल की अगर आप शेप देखें तो बेसिकली ये है, और हमें सारे एंगल्स नजर आ रहे हैं कि 109.5 डिग्रीज हैं, ठीक है? तो और हमें शेप में भी दिख रहा है, ये थ्री डायमेंशनल मॉडल है, तो अगर आप इसमें गौर से देखें तो हमें कोई भी तीन एटम्स एक स्ट्रेट लाइन में नहीं दिख रहे, राइट? यस नाउ दिस इज ऑक्टाहेड्रल। अब अगर मैं इसको इस तरह कर दूं तो देखें, जो पर्पल एटम है वो, और उसके एग्जैक्टली ऊपर वाला और नीचे वाला, ये तीनों एटम्स एक ही प्लेन, एक ही लाइन में। यस और इसी तरह अगर मैं इसको इस तरह का व्यू करूं तो देखें, जो हमें डायगनल एटम्स नजर आ रहे हैं, डायगनल बॉन्ड्स, वो भी तो स्ट्रेट लाइन में। यस तो इसमें तीनों तरह से हमें जो है, अगर हम किसी भी डायरेक्शन में देखें तो देर आर थ्री एटम्स विच आर इन द स्ट्रेट लाइन, राइट? यस ये बात सबको क्लियर है? यस अच्छा, और जो आप एक एग्जांपल कह रही थी PCl5, जिसकी मैंने बोला था जिसमें 90 और 120 डिग्रीज एंगल होता है, अगर आप उसमें भी देखें इस वक्त, अगर मैं ये देखें, ये शेप करूं, तो आपके पास पर्पल वाला और उसके राइट वाला और लेफ्ट वाला, ये तीनों एटम्स एक ही स्ट्रेट लाइन में। यस तो देखें, इसमें भी स्ट्रेट लाइन में तीन एटम्स प्रेजेंट है। भी पॉसिबल हो सकता। अगर अगर ये दिया होता है SF6 की जगह, तो ये भी यही आपका करेक्ट आंसर होता देन। क्लियर है सबको? यस ओके, क्वेश्चन नंबर 6। विच स्टेटमेंट अबाउट एल्यूमिनियम क्लोराइड इज करेक्ट? एल्यूमिनियम क्लोराइड हैज अ मच हायर मेल्टिंग पॉइंट देन मैग्नीशियम क्लोराइड ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ एल्यूमिनियम आयन। इज दिस क्लियर? इज दिस अ करेक्ट वन और रॉन्ग वन? करेक्ट। जी यस, सानिया एंड यश एंड सोलेहा, सर इनकरेक्ट। क्यों? एल्युमिनियम स्मॉलर साइज में होता। एल्यूमिनियम, एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड हैज द सेम आयन हैज द सेम साइज। नहीं, एल्यूमिनियम का साइज बिल्कुल छोटा होता है, मगर जो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है बेसिकली वहां पे कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं और वो सिंपल मॉलिक्यूलर होता है, जबकि मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करें तो इसमें आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, जिसकी वजह से ये एक जॉइंट लैटिस बनता है। ये बात क्लियर है सबको? यस तो इसका मतलब ये हुआ कि एल्यूमिनियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट मैग्नीशियम क्लोराइड से हाई नहीं होगा।
Is this clear? Yes. Anhydrous aluminium chloride reacts vigorously with water to form a solution with a pH greater than 7. क्या ये बात सही है? No. No, good. क्योंकि acidic solution बनता है जिसकी pH around I think 4 to 5 होती है, तो 7 से below होती है, तो B भी wrong हो गया. ये भी clear है सबको? Yes. Each Al2Cl6 molecule found in aluminium chloride vapor contains two coordinate bonds. Is this statement is correct? Yes. Yes. Yes, this statement is correct. क्योंकि दो aluminium chloride आपस में जो हैं, दोनों molecules के एक-एक chlorine atom दूसरे molecule के aluminium के साथ dative bond बना रहे होते हैं एक दूसरे के साथ. तो इसलिए दो dative bonds होते हैं. तो ये वाला option तो correct है. अब आ जाइए लास्ट पे. द बॉन्डिंग बिटवीन एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन इज स्ट्रॉन्गली आयोनिक ड्यू टू द लार्ज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो हमने ऊपर ही डिसाइड कर लिया था कि ये कोवलेंट बॉन्ड है, तो इसलिए डी भी रॉन्ग हो गया. सो अवर सी ऑप्शन इज करेक्ट. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस. क्वेश्चन नंबर 7. ब्लैक पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट carbon and sulfur. The mixture reacts as shown. Okay, we have an equation as well. And what we are getting? Carbon dioxide, carbon monoxide, nitrogen. These are the gases. Potassium sulfide are solid and potassium carbonate are solid. A sealed tube containing black powder has a volume of 10 centimeter cube. When all of the black powder reacts, the reaction causes a pressure of 2 × 5 pascals and a temperature of 2500 Kelvin. The volume of K2CO3 and K2S produced can be ignored. How many moles of potassium nitrate contained in the sealed tube? Ji, aap mein se koi bata sakta hai kaise karenge? गैस इक्वेशन अप्लाई करेंगे. और कैसे सॉल्व करेंगे? मोल्स इक्वल्स टू प्रेशर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम डिवाइड बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी. सो वी विल गेट द नंबर ऑफ मोल्स. मोल्स इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम divided by R into T. इससे हमें किसके moles मिलेंगे? KNO3. No, KNO3 is solid. इससे हमें gases के moles मिलेंगे जो form हो रही हैं. ठीक है? Yes. So the pressure is 2 × 6 pascals. वॉल्यूम इज 10 सेंटीमीटर क्यूब. वॉल्यूम हम इसमें मीटर क्यूब में रखते हैं, तो हम इसे एक्सपोनेंट -6 से मल्टीप्लाई कर देंगे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए. एंड देन डिवाइडेड बाय आर. वैल्यू ऑफ आर इज 8.31 इनटू टी, दैट इज 2500. सो कैन एनीबॉडी टेल मी द आंसर, व्हाट आंसर वी आर गेटिंग ओवर हियर? 9.6 एक्सपोनेंट -4. 9.6 × 4. ये हमें मोल्स किसके मिले? गैसेस के मिले. ये बात क्लियर है सबको? यस यस. ओके, नाउ इफ वी टेक द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस इज टू मोल्स ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, और अगर हम इक्वेशन में देखें तो गैसेस के कितने मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं टोटल? Eight moles. Good. और वो 8 moles कितने moles potassium nitrate से produce हो रहे हैं? 4 moles से. Right? Yes. तो अगर gases के 9.6 × -4 moles हैं, तो potassium nitrate के moles कितने होने चाहिए? X. तो जो आपका 9 answer आया है, इस answer को आप divide by 2 कर देंगे तो आपको मिल जाएगा. तो बताइए डिवाइड बाय 2 करके क्या आ रहा है?
4.8 × 10⁻¹. Okay, so it means A answer is correct. ये क्लियर है सबको? Yes. Yes. For which pair is the boiling point of the first compound higher than the boiling point of the second compound? Okay. तो यहाँ पे OH है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इसके मॉलिक्यूल्स के बिटवीन क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, और यहाँ पे SH है, तो सल्फर और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से इसके मॉलिक्यूल के बिटवीन परमानेंट डायपोल डायपोल फोर्सेस होंगी. और अगर हम दोनों में देखें तो हमें पता है हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो इट मीन्स इसका ए आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से फर्स्ट कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाइयर होगा. इज दिस अंडरस्टैंडेबल? यस यस सर. उस टाइम तो डी में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो वो क्यों नहीं है? नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है डी में, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. ये देखें, सेकंड कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और फर्स्ट में परमानेंट डायपोल डायपोल फोर्सेस होंगी. क्यों? क्योंकि फर्स्ट आपका क्या है, एल्डिहाइड है, और अगर आप एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बनाएं तो एल्डिहाइड इज सी डबल बॉन्ड ओ एंड दैट सी इज बॉन्डेड टू हाइड्रोजन. और अगर आप CO2H का स्ट्रक्चर बनाएं कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो ओ के साथ हाइड्रोजन अटैच है, तो ये हाइड्रोजन जो है इट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड. But if we talk about this hydrogen as this hydrogen which I encircled for in an aldehyde does not covalently bonded with oxygen, nitrogen or fluorine, so it cannot form hydrogen bond. ये बात clear? Yes. तो इधर भी यहाँ पे hydrogen bonding हो रही है और इधर भी यहाँ पे hydrogen bonding हो रही है, तो बी सी और डी की बात की जाए तो उनमें जो सेकंड मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, जिसका मतलब ये है कि सेकंड मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा फर्स्ट मॉलिक्यूल से. और ए में फर्स्ट मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, तो इसका मतलब है ए में फर्स्ट मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा. क्लियर है ये बात? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द इक्वेशन for an enthalpy change is shown, the enthalpy change is Q. Okay. What is the correct expression to calculate Q? कि आप में से कोई बता सकता है? बी. व्हाई? बिकॉज़ H2O की फॉर्मेशन है, बिकॉज़ हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट और वो कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड की कंबशन है. अब अगर आप देखें एक मिनट, व्हाट इज द करेक्ट एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट क्यू? हमारे पास राइट साइड पे एलिमेंट्स दिए हुए और लेफ्ट साइड पे. साइन देखिए, हम कैंसिल आउट नहीं करेंगे. सॉरी, दोबारा बोलें. हम पहले साइंस देखे कैंसिल आउट नहीं करेंगे, मतलब जिनके बीच में माइनसेस हैं. ये तो अभी हमें, जब तक हैसे साइकिल नहीं बनाते, हम इस बारे में श्योर नहीं कर सकते ना कि वो क्यों कैलकुलेट करने के लिए हमें माइनस करना है या ऐड करना है.
अच्छा, अगर आप इस इक्वेशन पे गौर करें तो इस इक्वेशन में रिएक्टेंट्स क्या है? एलिमेंट्स हैं, रिएक्टेंट साइड पे कोई भी कंपाउंड नहीं है, ये बात क्लियर है? यस। और प्रोडक्ट साइड पे हमारे पास कंपाउंड्स हैं, राइट? ये बात भी क्लियर है? यस। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये रिएक्शन बेसिकली इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी है और इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर भी है। यस। ये बात सबको क्लियर है? सर लेकिन उसमें वन मोल ऑफ अ कंपाउंड फॉर्म नहीं होता? बिल्कुल, वन मोल ऑफ अ कंपाउंड फॉर्म होता है, अभी मैं उसी बात पे आने लगा था। यहाँ पे हमारे पास वन मोल की जगह कितने मोल्स कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं? टू मोल्स कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। तो इसका मतलब है मैं ये कह सकता हूँ कि बेसिकली क्यू किसके इक्वल होगा? टू टाइम्स इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड थ्री टाइम्स इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ये बात क्लियर हुई? यस। जी, तो अगर मैंने ये एक्सप्रेशन बना ली तो मुझे यहाँ पे एड नजर आ रहा है और यहाँ पे दो जगहों पे माइनस है, तो इसका मतलब है ये दोनों तो गलत हो गए। अब बचे बी और डी। अगर मैं अपनी एक्सप्रेशन को बी और डी से कंपेयर करूं तो बी में फॉर्मेशन ऑफ वाटर है, ये बात तो सही हो रही है, मगर फिर कंबस्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि बात गलत हो रही है, तो मैं बी को भी रॉन्ग कर दूंगा। तो मेरे पास सिर्फ डी बचा एंड डी इज माई करेक्ट आंसर। और अगर मैं कंपेयर करूं तो थ्री टाइम्स फॉर्मेशन ऑफ वाटर है एंड टू टाइम्स फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, बल्कि सॉरी मैं इसको भी रॉन्ग ही करूंगा क्योंकि यहाँ पे गैस दिया हुआ है और यहाँ पे हमारे पास लिक्विड है। जी क्लियर है ये क्वेश्चन सबको? यस। जी सोलेहा, अमीना एंड सानिया, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लें। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। अ रिएक्शन पाथवे डायग्राम फॉर द रिएक्शन ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज शोन। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन? अगर एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को मैं डायग्राम में देखूं तो डायग्राम में जो एंथैल्पी चेंज है वो बेसिकली किसके इक्वल है? एक्स के इक्वल है। यस। ये बात क्लियर है सबको? Yes. और इंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को अगर आप रिकॉल करें तो इट सेज दैट व्हेन वन मोल ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड फ्रॉम एन एसिड फ्रॉम अ रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ बेस। ये बात भी क्लियर है सबको? Yes. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारे पास बेस है रिएक्टेंट में और रिएक्टेंट में एसिड भी है और यहाँ पे हमारे पास वाटर है, बट वाटर के कितने मोल्स फॉर्म हो रहे हैं? टू। तो अगर मुझे इंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन निकालनी है तो वो बेसिकली किसके इक्वल होगी? वो होगी x डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि x इस रिएक्शन की इंथैल्पी चेंज है और इसमें 2 मोल्स वाटर फॉर्म हो रहे हैं। ये बात क्लियर है सबको? यस। तो इट मींस सी इज आवर करेक्ट आंसर। लेकिन सर फिर भी हम उसका हाफ क्यों ले रहे हैं? क्योंकि देखें अगर 2 मोल्स वाटर फॉर्म हो रहे हैं तो उस वक्त इंथैल्पी चेंज क्या है? 1 एक्स है। yes. इसको आप इस तरह कह लें कि मोल्स जब 2 फॉर्म हुए वाटर के तो इंथैल्पी चेंज क्या था? एक्स। अगर 1 फॉर्म होगा
तो इंथैल्पी चेंज क्या होना चाहिए, लेट सपोज ए, तो ए किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स मल्टीप्लाई बाय वन ओवर टू के, विच इज एग्जैक्टली एक्चुअली इक्वल्स टू एक्स ओवर टू. यस क्लियर है? यस. Question number 11. A student reacts 4 mole of ammonia with oxygen to produce an oxide of nitrogen and water only. Each nitrogen atom increases its oxidation state by 5 in the reaction. How many moles of oxygen gas reacts with 4 moles of ammonia in this reaction? अच्छा भाई, अब देखें, उन्होंने एक information हमें ये दी कि reaction किसके between हो रहा है, 4 moles of ammonia and unknown number of moles of oxygen. ये बात क्लियर है? Yes. अच्छा, yes. एक उन्होंने बोला नाइट्रोजन ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है जिसका हमें फॉर्मूला नहीं पता, मगर दूसरा साथ वाटर फॉर्म हो रहा है उसका हमें फॉर्मूला पता है. ये बात क्लियर है? Yes. तो इसका मतलब है वाटर के कितने मोल्स फॉर्म होंगे, 2 मोल्स फॉर्म होंगे, क्योंकि नहीं सॉरी हाइड्रोजन हमारे पास कितने 12 हैं, तो इसका मतलब है 6 मोल्स वाटर फॉर्म होंगे. ये बात भी क्लियर है? Yes. अच्छा, अब अगर ये देखें अमोनिया मॉलिक्यूल है, तो अमोनिया मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन पे क्या चार्ज होता है? यस, हु कैन टेल मी दैट? -3. वेरी गुड. ये बात सबको पता है? Yes. अगर नहीं पता तो पूछ लें. जी, ये बात पता है? Yes. तो अगर -3 ऑक्सीडेशन नंबर जो है 5 से इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब है मैं उसमें 5 ऐड कर दूंगा. जब मैं 5 ऐड कर दूंगा तो मेरे पास नेट चार्ज क्या बचेगा? 2 प्लस 2. तो अगर नाइट्रोजन का प्लस 2 जो है चार्ज हो रहा है, तो जो नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा वो NO बनेगा. यस. ये बात क्लियर है? क्योंकि अगर नाइट्रोजन का प्लस 2 चार्ज है तो उसके साथ एक ऑक्सीजन लगेगा -2, तो दोनों के चार्ज क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो इट मींस वी विल गेट NO. नाउ 4 NO विल फॉर्म, क्योंकि 4 नाइट्रोजन एटम्स थे, 4 अमोनिया के मोल्स थे. ये बात क्लियर? यस. अब अगर यहाँ पे देखें तो ऑक्सीजन 4 है और यहाँ पे देखें तो ऑक्सीजन 6 है, तो टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए हमारे पास, 10. यस. तो इसका मतलब है ऑक्सीजन के कितने मोल्स यूज होंगे, ऑक्सीजन गैस के, O2 के? 5 मोल्स. तो इट मींस बी इज अवर करेक्ट आंसर. जी, क्लियर है सबको? यस. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. इन द ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक वाटर सप्लाईज क्लोरीन इज एडेड टू वाटर टू किल बैक्टीरिया. Some ClO negative ions are formed. What is the change in oxidation number of chlorine when forming ClO negative ion from aqueous chlorine? So it means ये कह रहे हैं कि chlorine Cl2 से किसमें convert हो रहा है? ClO negative में convert हो रहा है. And you have to find the change in oxidation number. तो chlorine का जो molecule है उसमें एक chlorine atom पे क्या charge होगा? Zero. ये बात क्लियर है सबको? Yes. यहाँ पे क्लोरीन पे क्या चार्ज आएगा? -1. Why -1? Oxygen पर -2, overall charge is -1, so 2 - 1 will be 1. So it means chlorine have a +1 beta. अगर ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है और ओवरऑल चार्ज -1 है, तो क्लोरीन पे +1 होगा. ये बात क्लियर है? यस.
तो ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज क्या हो रहा है, जीरो से प्लस वन इज एक्चुअली अ प्लस वन, तो चेंज भी प्लस वन का ही आ रहा है. यस. जी सालिहा, अमीना एंड सानिया सबको क्लियर है? यस यस. Now question number 13. Ethanoic acid is mixed with ethanol. Okay. The formula of ethanoic acid is CH3CO2H and it is mixed with ethanol, which is C2H5OH. The ethanol is contaminated with a small amount of methanol. तो इट मींस यहाँ पे सिर्फ इथेनॉल से रिएक्शन नहीं हो रहा बल्कि इथेनॉल के साथ साथ मेथनॉल से भी रिएक्शन होगा. और उन्होंने बता दिया कि ये दो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो रहे हैं. ये बात क्लियर है? यस. व्हिच स्टेटमेंट अबाउट द इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज करेक्ट? ओके, ओनली इथाइल इथेनॉइड विल बी फॉर्म्ड बिकॉज देयर इज मच मोर इथेनॉल प्रेजेंट then methanol. तो अगर इथेनॉल और मेथनॉल दोनों प्रेजेंट हैं तो क्या सिर्फ इथाइल इथेनॉइड फॉर्म होगा या मिथाइल इथेनॉइड भी फॉर्म होगा? मिथाइल इथेनॉइड भी फॉर्म होगा. मिथाइल इथेनॉइड भी फॉर्म होगा जब आपके पास दो अल्कोहल्स हैं, तो वो दोनों अल्कोहल्स कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करके दो ही तरह के ईस्टर बनाएंगे, तो ए क्या हो गया? रॉन्ग हो गया. ये बात क्लियर है? yes. अब वो कह रहे हैं इन दिस मिक्सचर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशंस का क्या किया है, रेशियो लिया है. और वो कह रहे हैं कि वो K1 ओवर K2 के इक्वल है. क्या ये बात सही है या गलत? Wrong. जी क्यों? सर क्योंकि जब के वन का लेंगे तो प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट आएगा डिवाइड बाय, जब के टू करेंगे तो उसके प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट आएगा. तो के वन की जो रिएक्टेंट है वो के टू के रिएक्टेंट के बराबर नहीं है, तो वो कैंसिल नहीं होगा. बिल्कुल सही है. ये बात बाकी सबको क्लियर है या नहीं? यस yes. जी सालिहा, आपको भी क्लियर है? सर मुझे समझ नहीं आई. अच्छा देखें, एक ही एक्सप्रेशन फॉर एग्जांपल इसको इस तरह समझ लें, इसको मैं ए कह देता हूं और ये भी सेम है तो ये भी ए कहलाएगा. ये बात सही है? Yes, sir. This is B. तो ये दोनों रिएक्टेंट अल्कोहल सेम नहीं है तो मैं इसे C कह सकता हूँ? Yes, sir. अच्छा यहाँ पे जो दो ईस्टर फॉर्म हो रहे हैं, ये दोनों ईस्टर्स के भी फॉर्मूला डिफरेंट है, तो मैं फॉर एग्जाम्पल इसे D कह देता हूँ और इसे E कह देता हूँ. ये बात भी क्लियर है? जी सर. और ये दोनों वाटर फॉर्म हो रहे हैं तो मैं इन दोनों को क्या कह सकता हूँ? एफ कह सकता हूँ. ये बात भी क्लियर है? अब अगर मैं इसकी एक्सप्रेशन लिखूं तो मैं कैसी एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ दीज लेटर्स ये लिख सकता हूँ? डी टाइम्स एफ ओवर ए टाइम्स बी, राइट? और ये के वन के भी इक्वल है जो कि उन्होंने हमें यहाँ पे बताया हुआ. ये बात क्लियर है सालिहा? यस सर क्लियर है. ओके अमीना, आपको भी क्लियर है? यस. तो अगर मैं इसकी केसी एक्सप्रेशन लिखूं तो इसकी केसी एक्सप्रेशन क्या होगी? ई टाइम्स एफ
over A times C, जो कि किसके इक्वल है, के टू के इक्वल है, ये बात भी क्लियर है? Yes. अब इन्होंने यहाँ पे के वन ओवर के टू कहा है, तो अगर मैं के वन ओवर के टू करूं तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन बनेगी D ओवर F डिवाइडेड बाय A ओवर B, A इंटू B जो कि के वन है, अपॉन E ओवर F डिवाइडेड बाय A ओवर C. ये बात क्लियर? Yes. तो F से F कैंसिल हो जाएगा, इसे A कैंसिल हो जाएगा, तो K1 ओवर K2 में हमारे पास बचेगा क्या, D अपॉन B ओवर E अपॉन C, यानी कि चार स्पीशीज बच रही हैं. Yes. और यहाँ पे इन्होंने हमें चार के बजाय कितनी स्पीशीज दी है, तो इट मींस इन्होंने दो स्पीशीज जो बच रही हैं वो इधर शो ही नहीं की. नाउ इज दिस क्लियर? यस जी. कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें. जी क्लियर है सबको? यस. एडिंग वाटर टू द मिक्सचर विल ऑल्टर द मोल रेशियो ऑफ टू ईस्टर्स. क्या वाटर ऐड करने से दोनों ईस्टर्स का मोल रेशियो में कोई फर्क पड़ेगा? नो. नहीं, क्योंकि वाटर दोनों में प्रेजेंट है, तो इसीलिए दोनों जो चेंज आएगा वो दोनों में इक्वल चेंज आएगा, जिसकी वजह से मोल रेशो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो सी भी रॉन्ग हो जाएगा, तो इट मींस वी आर लेफ्ट विद ओनली डी, सो डी इज अवर करेक्ट आंसर. यस. जी किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें भाई. Now question number 14. SO3 is manufactured from SO2 and O2 in a contact process. The reaction is exothermic. Which show the effect of equilibrium yield contained in contact process of increasing temperature and of adding vanadium 5-oxide catalyst. अच्छा, तो मैं आप लोगों को ये बात बता दूं, अगर हम इस reaction की बात करें तो ये reaction reversible होता है. इक्वेशन बैलेंस करने के लिए यहाँ दोनों जगहों पे पी टू टू आएगा और इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज नेगेटिव होता है. तो एक बात बताइए, जब हम कैटलिस्ट ऐड करते हैं तो क्या अमाउंट जो प्रोडक्ट की है वो बढ़ जाती है या उतनी रह रहेगी? अनचेंज्ड होती है. जी नॉट चेंज्ड. प्रोडक्ट की अमाउंट चेंज नहीं होगी, कैटलिस्ट सिर्फ रिएक्शन को स्पीड अप कर रहा है. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ए और डी ऑप्शन रॉन्ग होगा, क्योंकि इसमें ये कह रहे हैं कि कैटलिस्ट ऐड करने से अमाउंट प्रोडक्ट की इंक्रीज होगी. ये बात क्लियर सबको? यस यस. अच्छा, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इक्विलिब्रियम जो है इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा या बैकवर्ड? बैकवर्ड. बैकवर्ड, वेरी गुड. क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक्सोथर्मिक नेगेटिव साइन है ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए शो किया है, विच मींस बैकवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक. और टेम्परेचर इंक्रीज करने से हमेशा इक्विलिब्रियम उस साइड पे जाता है जो कि एंडोथर्मिक साइड है. तो इसका मतलब है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम लेफ्ट पे शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से यील्ड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज नहीं होगी. तो सी भी रॉन्ग हो जाएगा और बी हमारा करेक्ट आंसर होगा. ये बात क्लियर है सबको? यस.
अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। क्वेश्चन नंबर 15, द बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस इज शोन। ठीक है, इफ द टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड बाय 10 डिग्री सेल्सियस द ग्राफ चेंजेस शेप। व्हाट हैपेंस टू द वैल्यूज ऑफ एन फॉर द मॉलिक्यूलर एनर्जीज ऑफ एक्स वाई एंड जेड। जी, जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो ये कर्व राइट पे मूव होगा या लेफ्ट पे मूव होगा? राइट। क्यों? टेम्परेचर आप डिक्रीज कर रहे हैं बेटा। सॉरी, लेफ्ट। टेम्परेचर डिक्रीज करने पे कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट होगा, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम होगी। तो जब कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट होगा तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। यस। और वाई पे वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जेड पे भी वैल्यू क्या होगी? कम हो जाएगी। यानी कि लोअर टेम्परेचर पे कुछ इस तरह का ग्राफ ये हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है सबको? Yes. तो इसका मतलब है कि आंसर क्या हुआ? एक्स गोज हायर, वाई एंड जेड गोज लोअर। सो आवर बी ऑप्शन इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 15। इज दिस क्लियर? Yes. Now question number 16. A 3.0 gram sample of sodium carbonate powder is stirred into 50 centimeter cube of 0.1 mole per dm cube hydrochloric acid. The volume of carbon dioxide produced is 600 centimeter cube. इक्वेशन भी दे दी, सोडियम कार्बोनेट का एमआर भी दिया हुआ है। विच वॉल्यूम ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस्ड इफ 1 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट पाउडर इज स्टर्ड विद 50 cm क्यूब ऑफ 1 मोल पर dm क्यूब HCl अंडर द सेम कंडीशंस। जी, इसका आंसर कौन बता सकता है? पहले सोडियम कार्बोनेट के मोल्स फाइंड करेंगे। क्यों? सो दैट कार्बन डाइऑक्साइड की रेशियो हो जाएगी। हमें यहाँ पे ये रेशियो मिल रहा है कि सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मोल रेशियो क्या है, कि अगर एक मोल सोडियम कार्बोनेट होगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितना होना चाहिए उससे रिएक्ट करने के लिए? 2 moles। ये बात क्लियर है सबको? Yes. अगर मैं सोडियम कार्बोनेट के गिवन मास से मोल्स निकालूं तो 3.0 डिवाइडेड बाय 106, कोई मुझे आंसर बताएगा क्या आ रहा है? जीरो पॉइंट जीरो टू एट मोल्स। और HCl के मोल्स कितने आ रहे हैं? HCl के मोल्स निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? उसके वॉल्यूम को डीएम क्यूब में कन्वर्ट करूंगा डिवाइड बाय 1000 करके, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन से। तो अगर 1000 से 50 को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? 0.05 मोल। ये बात क्लियर है? Yes. अच्छा, ये देखें, ये 0.028 ही आ रहा था या कुछ और वैल्यू थी? मतलब 8 के बाद भी कुछ था या नहीं? 0.02830 हाँ, तो फिर हम 0.028 ले सकते हैं। यशफा और सॉरी अमीना एंड सोलिहा, आप दोनों को क्लियर है? यस। ओके, अब अगर हम इक्वेशन में देख रहे हैं तो हमें नजर आ रहा है कि सोडियम कार्बोनेट के एक मोल के लिए हमें HCl के 2 moles चाहिए। तो इसका मतलब है कि अगर सोडियम कार्बोनेट के 0.028 moles होंगे तो HCl के 0.056 moles होने चाहिए। Yes.
अच्छा तो अगर हम सेकंड स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन को देखें तो वहां से हमें ये बात पता चल रही है कि बेसिकली ये लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया है और ये एक्सेस हो गया है. क्यों? क्योंकि हमने HCl का ना वॉल्यूम चेंज किया ना कॉन्सेंट्रेशन चेंज की, तो HCl के तो वही 0.05 मोल्स आएंगे, मगर सोडियम कार्बोनेट का 3 ग्राम से 1 ग्राम मास यूज किया है तो इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे. ये बात क्लियर है? यस. तो अगर मैं इसके इस कंडीशन में नंबर ऑफ मोल्स निकालूं, क्योंकि ये मेरा लिमिटिंग रिएक्टेंट है, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या आएंगे? जी नाइन पॉइंट फोर थ्री मल्टीप्लाई बाय 10^-3 -3 मोल्स. अब वो आपसे, अगर आप सोडियम कार्बोनेट का और कार्बन डाइऑक्साइड का मोल रेशियो देखें तो वो 1:1 का ही है. तो इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड के जो मोल्स फॉर्म होंगे वो वही मोल्स होंगे जितना सोडियम कार्बोनेट ने रिएक्ट किया है. ये बात भी क्लियर है सबको? तो ये मोल्स आ गए. अब अगर मुझे गैस है और उसका वॉल्यूम फाइंड करना है, और यहाँ पे सारे वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में दिए हुए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इन मोल्स को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 24,000 से, ताकि मेरे पास वॉल्यूम डायरेक्टली सेंटीमीटर क्यूब में आए. तो जरा कैलकुलेट करें कि आंसर आ रहा है 1.3, सॉरी 1.43 एक्सपोनेंट -3. टू ट्वेंटी सिक्स और अगर हम देखें तो हमारा ये सी ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. ये क्लियर है? यस सोलिया. यस सर. ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रख लें. कल इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 17 से आगे कंटिन्यू करेंगे और क्लास होपफुली 11:30 पे स्टार्ट हो जाएगी शार्प. ठीक है सर, आप थोड़ा टाइम अर्ली कर सकते हैं? सर आप थोड़ा अर्ली कर सकते हैं? 11 यस 11 o'clock पे सबको, सबके लिए सही है? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? सर, आप अराउंड 10 नहीं कर सकते? कल के लिए तो बहुत मुश्किल है 10 करना, मगर 11 फीसेबल है कल. तो फिर हम फर्दर सैटरडे को डिसाइड कर लेंगे, सैटरडे की टाइमिंग कल. ठीक है, तो कल 10 o'clock पे सब अवेलेबल है, और सॉरी 11 o'clock पे. यस. ठीक है, और कोई बात किसी ने पूछनी है? नो सर. ओके, सो इंशाल्लाह टुमारो वी विल स्टार्ट एट 11 o'clock. ओके ओके, टेक केयर एवरीवन. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.